आज हम बात करने वाले सीएससी सेंटर से फ्री में मिलेंगे विकलांगों को उपकरण जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन तथा कृत्रिम अंग। जी हाँ दोस्तों, सीएससी और जो सरकार है उसके साथ एक समझौता हुआ है जिसके तहत जो भी उपकरण मिलते हैं विकलांगों को उनके तहत आप ऑनलाइन आवेदन सीएससी के माध्यम से ही करवा सकेंगे और अब ऑफलाइन का प्रोसीजर नहीं रहेगा। पहले क्या होता, ऑफलाइन आपको अगर आप विकलांग हैं तो आपको अगर कोई उपकरण चाहिए जैसे व्हील चेयर चाहिए थी, ट्राईसाइकिल चाहिए थी, तो आपको आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन आप सीएससी के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे और उसको जो भी सब्सिडी मिलती है या जो भी आपका उपकरण दिया जाता है फ्री में वो आपको दिया जाएगा। तो ये दोनों लोगों का न्यूज़ बेहतरीन है, एक सीएससी सेंटर संचालक के लिए और विकलांगों के लिए। अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं तो आप उनका आवेदन करके उनकी हेल्प कर सकते हैं और आपको भी उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम आपसे गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हेल्प इन दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकते। जानने के लिए आपको आ जाना हमारी वेबसाइट पर, यहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया है दिव्यांग फ्री उपकरण कैसे लेंगे, सारा डिटेल मैंने बता रखा है। दिव्यांग को उपकरण पाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे क्योंकि सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के जरिए दिव्यांग उपकरण पाने के लिए निःशुल्क में सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने सीएससी के साथ ग्रामीण और नगरी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के पंजीकरण के लिए भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ समझौता किया है। दूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों तक कृत्रिम अंग एवं उपकरण पहुंचाने के लिए सीएससी के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिव्यांगजन कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर कृत्रिम अंग व उपकरण के लिए अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद इल्किमो उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके जरिए ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन व कृत्रिम अंगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा प्राप्त आवेदनों पर दिव्यांगजनों को इल्किमो द्वारा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप देखिए दोस्तों, ये अमर उजाला का मैंने यहाँ पर कटिंग लगा रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, अमर उजाला पर भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है, आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये बात करूँ अगर ये झांसी उत्तर प्रदेश का है, जो झांसी का झांसी सिटी है वहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो हो सकता है ये अभी फिलहाल ऑल इंडिया में वर्क ना कर रहा हो, कुछ स्पेसिफिक राज्य कुछ जिलों में वर्क कर रहा हो, तो आप अपना नज़दीकी जो भी कॉमन सर्विस सेंटर हो वहाँ जाकर से पता कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों झांसी से बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप नीचे पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, किन लोगों को इसके लिए ये व्हील चेयर या ट्राई साइकिल फ्री में दिए जाते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, कि आपको आवेदन कैसे करना होगा वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन न्यूज़ कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों के लिए और साथ साथ सीएससी सेंटरों के लिए है, क्योंकि दिव्यांगजन जितने भी होते हैं उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सहायता कर सकते हैं सीएससी सेंटर। अगर उनकी डिसेबिलिटी अप्रॉक्स 40% से अबव है, 40% से अबव है, तो वो उपकरण के लिए या व्हील चेयर की बात करें, ट्राईसाइकिल की बात करें, कृत्रिम अंग की बात करें, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म जाएगा ऑनलाइन, वहाँ पर समीक्षा होगी और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए जो भी प्रावधान होगा वो दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कदम है सरकार का, क्योंकि ऑफलाइन में लोगों को बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते थे, जो भी दिव्यांगजन होते उन्हें बहुत परेशानियाँ मिलती थी, अगर उनको एक चीज़ लेनी है सरकार से तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते जिससे वो थक हार कर अपना काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ता था। लेकिन ये काम ऑनलाइन कर दिया जाए अगर तो बहुत ही बेहतरीन, और जो कि एक पहल है, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सीएससी के साथ और इससे आने वाले भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं, आप दिव्यांग हैं, आपके घर में या पड़ोस में कोई भी दिव्यांग है, तो आप उसकी हेल्प करें। और अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, सपोज यूपी से नहीं बाहर से, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहाँ पता कर सकते हैं। कृत्रिम अंगों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप इसके लिए पता कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिंक दे रखा है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, इस पर जाएंगे तो मुख्य भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये पूरा यहाँ पर जो भारत सरकार पोर्टल चलाती है यहाँ पर भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ कैसी लगी और ये सरकार का कदम कैसा, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर कोई अपडेट आता है हम इससे रिलेटेड, हम आपको फिर से इन्फॉर्म करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।